यूनाइटेड नेशंस ने साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया, यानी ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, और इसको पूरे दुनिया भर में जोर शोर से मनाया जाने लगा पोषक अनाज वर्ष के रूप में, मोटे अनाज वर्ष के रूप में। जैसा सभी जानते हैं, भारत में हाल ही में संपन्न हुए G20 के सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की थी, और पूसा में उन्हें इन्हीं मिलेट्स के खाद्य पदार्थों से बने जो पकवान हैं उनको खिलाया गया था। तो मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, मैं इस समय रागी की फसल में खड़ा हूँ और रागी की फसल लगभग पककर तैयार है। और ये जो फसल है, यह कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया जनपद बस्ती के प्रदर्शन प्रक्षेत्र में बोई गई है और अभी ये कटने को तैयार है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे रागी की उन्नत खेती करके आप अधिक उत्पादन कर पाए। तो जो रागी है, रागी की अगर बुआई की बात करें तो रागी की बुआई का सबसे मुफीद समय जो होता है जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई का दूसरा सप्ताह होता है। इस दौरान कोई भी किसान अगर रागी की खेती करना चाहता है, पहली बारिश हो चुकी है और पर्याप्त नमी अगर खेत में है, तो रागी की बुआई कर दें। रागी की जो बुआई का के लिए मिट्टी मुफीद होती है, वह बलुई या बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी मुफीद होती है। बुआई के पहले मिट्टी को कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करके पाटा लगा दें और मिट्टी को भुरभुरी बनाते हुए इसकी बुआई करें। अगर बीज के मात्रा की बात करें तो अगर हम छिटकवा बीज से मड़ुआ की या रागी की बुआई करते हैं तो उसके लिए हमें 12 से 15 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लाइन से बुआई करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि लाइन से बुआई करने के लिए हमें 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप लाइन से बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 12 से 15 सेंटीमीटर, और जो बीज है बीज से बीज की दूरी 3 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपकी रागी के पौध तैयार होंगे, जो फसल तैयार होगी, वो काफ़ी स्वस्थ होंगे, जिससे उसमें बालियां स्वस्थ बनेंगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर हम खाद और उर्वरक की बात करें तो इसमें किसी तरह के खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये घास कुल का पौधा है और यह पोषक तत्वों को मिट्टी से वातावरण से अपने आप ग्रहण कर लेता है। आप देख रहे होंगे ये जो फसल दिख रही है, इसकी फसल काफ़ी अच्छी है, इसमें बालियाँ काफ़ी अच्छी लगी हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार के रासायनिक और खाद का उर्वरक का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया है। पेस्टिसाइड की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें किसी तरह के कीट और बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। लेकिन अगर आप बुआई करने जा रहे हैं तो खेत को भुरभुरी बनाने के पहले, मिट्टी को भुरभुरी बनाने और पाटा लगाने के पहले, जुताई के पहले, ये जरूरत हो रही है कि आप 15 से 20 गाड़ी जो गोबर की सड़ी हुई खाद है वह अपने मिट्टी में मिला दें, जिससे इसका उत्पादन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और अगर इसके हम पकने की अवधि की बात करें तो जो मड़ुआ यानी रागी है, इसके पकने की जो अवधि है वो 110 से लेकर के 120 दिन की इसकी अवधि मानी जाती है, दिन में पक करके तैयार हो जाती है। खासकर मड़ुआ के उत्पादन की अगर बात करें तो मड़ुआ का जो उत्पादन है वह लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका मिलता है। इस हिसाब से मड़ुआ की अलग का जो रेट है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रेट है, या 3,000 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये क्विंटल तक बिकता है। इसकी वैरायटियों और गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि कितना होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि कोई भी किसान अगर मड़ुआ की बुआई करता है तो बिना सिंचाई किए, बिना खाद उर्वरक का प्रयोग किए, कम से कम लागत में अधिक उत्पादन लेते हुए वह 60,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये तक की आमदनी प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकता है। और अगर इसकी प्रोसेसिंग करके आप बेचते हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो मूल्य है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपकी आमदनी भी प्रति हेक्टेयर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये हो सकती है। तो जो किसान ये चाहते हैं कि वो मोटे अनाज को कम लागत पर खाद उर्वरक का कम से कम प्रयोग करें, वह उनके लिए रागी या मिलेट्स, फिंगर मिलेट की खेती सबसे मुफीद साबित हो सकती है। और आपको मैं बता दूं कि बस्ती जनपद में बहुत सारे किसानों ने किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में निःशुल्क बीज का वितरण किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से। और जनपद के जो प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी ने, उन्होंने किसानों को में इसको प्रचलित करने के लिए, चूंकि इसकी खेती कम हो गई थी, या कह दें पूरी तरीके से मोटे अनाज की खेती खत्म हो चुकी थी प्रदेश से, फिर से पूरे प्रदेश में मोटे अनाज की फसल लहलहा रही है और बहुत सारे किसानों ने अच्छा उत्पादन किया, तो सूर्य प्रताप शाही जी ने मिनी किट्स के रूप में बहुत सारे किसानों को, जो लोग खेती करना चाह रहे थे उनको मोटे अनाज के बीज, जिसमें सावा, कोदो, मड़ुआ, काकुन, टांगुन, बहुत सारे बीज थे, उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया था। और आपको बता दें कि 11 दिसंबर को दिन के 12 बजे से लेकर के
एक मड़ुआ मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको लगाने के लिए या बीज प्रोसेसिंग करने के लिए या आउटलेट खोलने के लिए भंडारण के लिए अनुदान योजना भी शुरू की गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी अनुदान योजनाओं का लाभ उठाएं तो आप pmkusum.agriculture.gov.in पर जाएं, वहां से आपको बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपका जो ये पीओ है सिर्फ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए उपलब्ध होगा, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए आप बुकिंग कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का हमें स्वागत रहेगा, इंतज़ार रहेगा।